हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और होमो सेपियंस वो इंसानी प्रजाति है जो इस पृथ्वी पर 3 लाख सालों पहले सबसे पहले देखी गई थी। ये जीव आज का मॉडर्न इंसान है और दुनिया भर में आप जो भी लोग देखते हो वो सभी इसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दुनिया में सभी लोग होमो सेपियंस है तो क्यों एक चाइनीज इंसान एक इंडियन इंसान से इतना अलग दिखता है? एक इंडियन और चाइनीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान लोगे यार, और वहीं पर एक अफ्रीकन और एक यूरोपियन आदमी को भी, एंड सेम फॉर चाइनीज एंड अफ्रीकन। सो ये सभी एक ही किस्म के लोग आखिर एक दूसरे से इतना अलग कैसे दिख सकते हैं, और क्या रीजन है कि इन्हें एक दूसरे से इतना अलग दिखना पड़ा? क्या राज है इंडियंस के टैंड स्किन का, या फिर चाइनीज की छोटी आंखों का, और यूरोपियंस के गोरे चमड़े और सुनहरे बालों का? ये सभी कुछ आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, और इस वीडियो के अंत तक आप इंसानी इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जान लोगे जो आपको नहीं पता। और फिर आप भी अपने फ्रेंड से इन्हीं सवालों का जवाब पूछना और उनका रिएक्शन देखना कि क्या वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंसानी प्रजाति यानी होमो सेपियंस सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे कुछ 3 लाख सालों पहले, जहां से माना जाता है जिंदगी की शुरुआत भी हुई थी, वहां के गर्म और नेचुरली रिच पर्यावरण में। मतलब 3 लाख साल पहले इस दुनिया के सभी लोग लगभग कुछ ऐसे ही एक जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज इंसान हो या फिर इंडियन, और सभी आपस में खुशी से रह भी रहे थे आइस एज में, विदाउट रेसिज्म, यू नो। लेकिन आज से कुछ 1,30,000 सालों पहले आइस एज में ही कुछ ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियल इंटरलूड, यानी आसान भाषा में आइस एज में गर्मी बढ़ने लगी। उससे हुआ ये कि अफ्रीका से बाहर जाने के बर्फ से जमे रास्ते पिघलने लगे और बड़ी तादादों में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो दूसरे घर की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। और फिर वो धीरे धीरे लेवेंटीन रीजन्स जैसे आज के मॉडर्न इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, टर्की वगैरह एटसेट्रा में स्प्रेड होने लगे, जहां से फिर कुछ इंसान आने वाले हजारों सालों में यूरोप की तरफ निकलेंगे और कुछ एशिया की तरफ। 40,000 सालों पहले तक होमो सेपियंस इंडिया और चाइना तक फैल चुके थे, और फिर यहां से सालों साल अपनी नई जमीनें और पर्यावरण में रहने के बाद इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए थे माइग्रेशन के वक्त, वो लोगों को आज कॉकेशियन कहलाया जाता है, और जो लोग अफ्रीका में ही रहे थे वो लोगों को नीग्रोइड रेस का कहा जाता है। उसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए वो मंगोलॉइड रेस के हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया जैसे सदर्न आइलैंड्स के ओरिजिनल लोग हैं वो ऑस्ट्रेलोजॉइड रेस के हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत जान लिया हमने इतिहास के बारे में, अब सवाल ये है कि ये सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से? सो वेल, इसका जवाब डार्विन भाई हमें बताएंगे अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए। बट हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडियंस कौन है रेशियली, क्योंकि हम यूरोपियंस जैसे तो नहीं दिखते और ना ही चाइनीज जैसे। सो हम कौन है? वेल, इंडियंस एक्चुअली में मिक्सचर है 3 रेसेस के, कॉकेशियन, ऑस्ट्रेलोजॉइड और मंगोलॉइड्स। नॉर्थ इंडिया से जो इंडियंस है उनके डीएनए में कॉकेशियन जीन्स ज्यादा है और ऑस्ट्रेलोजॉइड और मंगोलॉइड कम। साउथ इंडिया में जो इंडियंस है उनमें ऑस्ट्रेलोजॉइड जीन्स ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियंस है उनमें मंगोलॉइड जीन्स ज्यादा है, और इसी वजह से इंडिया में खुद ही लोगों में बहुत विभिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में मोस्टली सभी लोग मंगोलियन रेस के हैं और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस प्रश्न पर कि चाइनीज चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं और यूरोपियंस सफेद क्यों है और इंडियंस इंडियंस जैसे क्यों दिखते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए एक और बार अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जहाँ पर मंगोलॉइड्स रेस का एक्चुअल जन्म हुआ था। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए वहाँ की परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ा। एवोल्यूशन के सिद्धांतों के तहत उनका वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, और जो विशेषताएं उस एनवायरनमेंट में उन्हें सरवाइव करा सके उन विशेषताओं का आगे बढ़ पाना संभव हो सका। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती है, तो उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वही आंखें उन्हें सैकड़ों सालों पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती थी। इसके अलावा क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो आंखों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचा पाने का काम छोटी आंखें ही सबसे बेहतर करेगी। एक्सट्रीम ठंड में शरीर से ज्यादा हीट ना लूज हो, इसीलिए मंगोलॉइड फेशियल फीचर्स ज्यादा फ्लैट होने लगे और उनमें
में फेस फैट की भी मात्रा दूसरे रेसेस के मुकाबले ज्यादा होने लगी। चपटे फेशियल फीचर्स बर्फीले मीट को क्रंच कर पाने में भी बहुत मदद करते थे, और चाइनीज लोगों की आईज में एक्स्ट्रा फैट ठंड से पैडिंग देने के लिए होता है, और इसीलिए वहाँ मोस्ट ऑफ लोगों के पास सिंगल आईलिड्स यानी मोनोलिड्स होते हैं। यही मोनोलिड्स एक्सट्रीम ठंड की वजह से कुछ नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में भी है और एस्किमोज में भी पाए जाते हैं। अब वही फ्रेंड्स दूसरी तरफ इंडियन जेनेटिकली मोस्टली कॉकेशियन है, यानी हमारे फेशियल फीचर्स यूरोपियन से ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज या फिर अफ्रीकन्स। पर अब सवाल है कि यूरोपियंस अनलाइक इंडियंस इतने सफेद कैसे हो पाए, तो इसका जवाब भी है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन थियरी डिटेल में कैसे काम करती है अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबा देना और वो वीडियो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही अफ्रीका से होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और वहां पर सेटल होने लगे, उसके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहां के लोगों को अपने चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से बहुत से बच्चे डिफॉर्म्ड हो जाते या फिर कम ही उम्र में वो मर जाते, और ये बीमारी इतनी भारी संख्या में होने लगी क्योंकि वहां के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल रहा था, जो न्यूट्रिशन हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अफ्रीका में तेज सूरज होने की वजह से वहां उन्हें भरपूर विटामिन डी मिलता था सनलाइट से, बट अब यूरोप में जहां सूरज ना के बराबर आता है वहां कैसे मिल पाए। सो एक जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में आने लगा कि उनके चमड़े में से मेलानिन, वो केमिकल जो हमारे चमड़े को रंग देता है, वो तेजी से कम होने लगा, और अब एक इंसान जिसके स्किन में मेलानिन कम हो वो नेचुरली ऐसे एनवायरमेंट में बेहतर सर्वाइव कर पाएगा जहां धूप ज्यादा नहीं होती, और इसीलिए ये विशेषता बहुत जल्द फैलने लगी वहां के लोगों में, और कुछ ही सदियों में वहां लोगों का रंग सफेद हो गया। ये वही म्यूटेशन की वजह से था जो यूरोपियंस में बहुत सालों पहले आई थी, और इसी तरह अफ्रीका में तेज सूरज की रोशनी से बचने की वजह से नेचुरली वहां के लोगों की चमड़ी में मेलानिन की मात्रा का ज्यादा होना जरूरी है। मेलानिन 99% सूरज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें स्किन कैंसर होने के खतरे से बचाता है, और इसीलिए फ्रेंड्स अगर एक यूरोपियन को अफ्रीका भेजा जाए और तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उनका स्किन बहुत जल्द बर्न हो जाएगा जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यही प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, जो वैसे तो मोस्टली यूरोपियंस है लेकिन वो एकदम से माइग्रेट हो गए एक ऐसी जगह में जहां सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में आज स्किन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा है। इंडिया में भी हमारा स्किन कलर ब्राउन है बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि यहां पर सनलाइट स्ट्रांग है और मेलानिन हमें इससे बचाता है, और यही मेलानिन हमें ब्राउन कलर भी देता है। पर फ्रेंड्स हमें ये फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी इंसानी प्रजाति अब तक हर किस्म के हार्श एनवायरमेंट में सर्वाइव करते आई है, और आज आप जैसे भी दिखते हो आपको उससे प्राउड होना चाहिए क्योंकि उन्हीं फीचर्स के वजह से ही आप पास्ट में सर्वाइव कर पाए थे और आज जिंदा हो और इस लाइफ को अनुभव कर पा रहे हो। सो ऐसा कभी मत सोचना कि काश मैं गोरा होता या काला होता या कुछ और। अपने आप को ओन करो आप जैसे भी हो प्राउड होकर, और फोकस करो उन चीजों पर जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाए। और फ्रेंड्स उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कई सवालों के जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर ठोकना। इस बार का टारगेट फिर से है 25,000 लाइक्स का। सो फ्रेंड्स जरूर हेल्प करना ये टारगेट रीच करने में, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।